दोस्तों, हम सभी इस बात से तो परिचित ही हैं कि चीन नकली चीजें बनाने में सबसे आगे है। बल्कि ये चाइनीज नमूने तो 1 लाख की चीज का डुप्लीकेट बनाकर उसे 10 रुपए में बेचते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको चाइना में बनाए जाने वाले कुछ ऐसे ही नकली फूड्स आइटम और कई और भी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें ये नमूने कम से कम दामों में ही बनाकर तैयार कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। फेक हनी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि शहद को दुनिया की सबसे फायदेमंद चीजों में से एक माना जाता है, पर ये चाइनीज नमूने इस फायदेमंद चीज में भी उंगली करने से नहीं माने और उन्होंने नकली शहद भी बनाना शुरू कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक चाइनीज नमूना नकली शहद बनाने का तरीका बता रहा है, जिसके लिए सबसे पहले एक नकली सिरप बनाया जाता है। उसके बाद उसमें कई तरह के पिगमेंट्स को मिलाया जाता है, जिससे ये नकली सिरप एकदम असली शहद के रूप में दिखाई देने लगता है। उसके बाद इसके अंदर शहद के फ्लेवर को मिलाकर नमूनों का ये नकली शहद बनकर तैयार हो जाता है। अब इस नकली शहद को देखकर आप ये बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे कि ये शहद नकली है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि इस फालतू और नकली शहद को ये चाइनीज नमूने देश विदेश में बेचते भी हैं। अब इन चाइनीज नमूनों के बारे में अपने सुंदर विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। फेक राइस। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे चावल खाना ना पसंद हो। अक्सर लोगों से आपने ये भी सुना होगा कि चावल खाने से इंसान मोटा हो जाता है और कई बार तो मरीजों को भी चावल खाने से मना किया जाता है। पर चाइना के लोगों को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर चावल खेतों में नहीं बल्कि फैक्ट्रियों में बनाकर तैयार किया जाता है। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो चाइना के एक फैक्ट्री की है, जहाँ पर कुछ लोग चावल बनाने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए फटे पुराने बेकार प्लास्टिक को फैक्ट्री में लाकर उसे अच्छी तरह से साफ किया जाता है। फिर इन सफेद पतली पन्नियों को एक मशीन के अंदर डालकर उसके ढेर सारे पतले पतले धागे बनाए जाते हैं। उसके बाद इन गर्म धागों को पानी में ठंडा किया जाता है, जिसके बाद उसे चावल बनाने वाली मशीन के अंदर डाला जाता है। और फिर उसके बाद जो चावल बनकर तैयार होता है, उसे देखकर ये पहचान पाना नामुमकिन है कि ये चावल असली है या फिर नकली। वैसे खेतों में धान उगाकर उसे चावल बनाना काफी लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें कम से कम 3 महीने का समय लगता है, पर यहाँ ये चीनी नमूने 3 महीनों के काम को बस 3 घंटों में ही पूरा कर देते हैं। अब इनके बारे में आपके जो भी विचार हो, कमेंट में जरूर बताएं। फेक आइसक्रीम। दोस्तों, वैसे तो आइसक्रीम खाना सभी को पसंद होता है और शायद आप में से हर किसी ने आइसक्रीम खाई भी होगी। नॉर्मली आइसक्रीम खाते टाइम हम उसे जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो पिघल ना जाए। पर हम आपको चाइना में बनाई जाने वाली ऐसी आइसक्रीम दिखाने वाले हैं, जिन्हें आप तपती आग की भट्टी में भी रखेंगे तो भी वो किसी भी हाल में पिघल ही नहीं सकती। अब इस अजूबे वाली आइसक्रीम को बनाया कैसे जाता है, ये तो नहीं पता, पर तरस आ रहा उन लोगों पर जिन बेचारों को इस तरह की चीजें खानी पड़ती है। फेक एग्स। दोस्तों, इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों में अंडे खाने वालों की संख्या भी ज्यादा होती है, पर आपको बता दें कि चाइना में ये अंडे भी नकली बनाए जाते हैं। जी हाँ, वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग नकली अंडे बनाने का काम कर रहे हैं। हालांकि देखकर तो इसे पहचान पाना मुश्किल है कि ये अंडा असली है या फिर नकली, पर आपको बता दें कि ये एकदम नकली है। और इन अंडों के सफेद भाग को तैयार करने के लिए सोडियम अल्जिनेट का प्रयोग किया जाता है। ये एक सफेद रंग का पदार्थ होता है, जिसे गर्म करने पर ये बिल्कुल अंडे के सफेद वाले भाग की तरह ही दिखाई देता है। और आपको बता दें कि अंडे के अंदर वाले भाग को भी इसी सोडियम अल्जिनेट से ही बनाया जाता है। बस फर्क इतना होता है कि उसके अंदर येलो कलर को मिला दिया जाता है, जिससे वो एकदम अंडे के अंदर वाले गोल पीले भाग की तरह बनकर तैयार हो जाता है। और आपको बता दें कि अंडे के छिलके को बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। फेक चिल्ली। दोस्तों, वैसे तो हम सभी ने बाजार से लाल मिर्च खरीदी ही होगी, जिसका इस्तेमाल घर में खाना बनाने में किया जाता है, पर ये बात तो आप सभी को पता ही है कि चाइनीज नमूने नकली चीजें बनाने में कितने आगे हैं। और उन्होंने इस लाल मिर्च को भी नहीं छोड़ा और फिर इन नमूनों ने इस लाल मिर्च को और भी ज्यादा लाल दिखाने के लिए इसके ऊपर लाल रंग का पेंट लगाना शुरू कर दिया, जिससे ये लाल मिर्ची और भी ज्यादा लाल रंग में दिखे, ताकि लोग इन्हें जल्दी से जल्दी खरीद लें। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ लोग लाल मिर्चों पर रेड स्प्रे लगाकर इनका मेकअप करके इनकी खूबसूरती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस स्प्रे के लगते ही ये और भी ज्यादा चमकने लगती हैं, जिससे लोग इसे जल्दी से खरीद लेते हैं। पर इसे खाने वालों की हालत क्या होती होगी, ये तो आप बखूबी समझ रहे होंगे। फेक मिनरल वाटर।
दोस्तों वैसे तो हम सब अपने घर में नल से या फिर मोटर के माध्यम से पानी का इस्तेमाल करते हैं, पर फिर भी बाहर जाने पर हमें ये पानी भी खरीदना पड़ता है जो कि फिल्टर होकर बोतल में मिलता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में इस पानी को बनाने के लिए ये लोग पानी को फिल्टर करने का सुंदर काम बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि ये लोग टोटी से आ रहे पानी को ही सीधे बोतल में भर देते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि पानी भरने के लिए ये नई बोतलों का भी उपयोग नहीं करते, बल्कि कूड़े से खाली बोतलें उठाकर उसे साफ करके उनमें टोटी से सीधे ही पानी भर देते हैं, जिसे मिनरल वाटर के नाम से वहां के मार्केट में बेचा जाता है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। अब यहां ये वाला मिनरल वाटर पीने से अच्छा है कि अपने घर से ही पीने का पानी साथ लेकर चलें। फेक चिकन। दोस्तों ऐसे तो पूरी दुनिया में ही चिकन खाने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। शायद आप में से भी बहुत से लोग होंगे जिन्हें चिकन खाना पसंद होगा, पर चाइना के लोगों को चिकन के नाम पर भी नकली हवा ही खाने को मिलती है। दरअसल ये चाइनीज नमूने अपने मजबूर आदत की वजह से इसमें भी अपनी कलाकारी दिखाने से बाज नहीं आते। जी हाँ, असल में ये चीनी चिकन के अंदर उसके वजन से ज्यादा हवा भर देते हैं। आपको बता दें कि इन चाइना के दुकानों पर इन मांस के वजन को बढ़ाने के लिए एक खास तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें चिकन को साफ करके उनके अंदर इंजेक्शन के जरिए या तो हवा भर दी जाती है या फिर पानी भर के उसका वजन बढ़ा दिया जाता है, जिसे चिकन फूल कर मोटा भी दिखने लगता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी बॉडी बिल्डर मुर्गे का मांस हो। पर हैरान कर देने वाली बात ये है कि चाइना के अंदर ये सभी चीजें नॉर्मल है और लोग इसे बहुत ही मजे से खरीद कर खाते हैं। फेक मीट। दोस्तों दुनिया में चाइना की आबादी सबसे ज्यादा है और वहाँ पर मांस खाने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, और इसीलिए यहाँ पर मांस की पूर्ति के लिए चाइना के फूड माफियाओं ने नकली मांस ही बनाना शुरू कर दिया। ये अपनी जनता को खुश करने के लिए एक नहीं बल्कि कई सारी अलग अलग चीजों से मांस तैयार करके उसे मार्केट में सेल करते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से नकली मांस को बनाया जा रहा है। इसे बनाने के लिए ये लोग थोड़े से चिकन या फिर फिश के मांस में एक स्पेशल तरह के पाउडर को मिलाते हैं, जिसे मीट कहा जाता है, जिसे इन थोड़े से मांस के साथ मिक्स करके उसे पैक कर दिया जाता है। चाइना के रेस्टोरेंट्स में इस मीट की भारी डिमांड होती है, जिसके लिए लोग लाइन में भी लगकर इसे खरीदते हैं। इनके मुताबिक ये पाउडर इतना खतरनाक होता है कि अगर ये हाथों पर ज्यादा देर तक लगा रहे तो हाथों में छाले भी निकल आते हैं। अब जरा सोचिए कि इसे खाने वालों की क्या हालत होती होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ओनर ऑफ थॉट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।